वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द यूनिकल 24। तो आज मैं आपको बताऊंगी हम अपने घर में कैसे कर्ली हेयर करें एंड विदाउट सलून एंड विदाउट कर्ल मशीन के जेल जो भी है इन सब के हम कैसे करें। बहुत इजी सा मेथड है और बहुत कोई मतलब ये भी होता है कि मतलब हमारे बाल डैमेज हो जाएंगे और सलून में जाने के लिए तो आज के टाइम में किसके पास ज़्यादा टाइमिंग भी नहीं है। तो हम घर में कैसे करें, तो ऑब्वियसली बात है मेरी भी लॉन्ग हेयर है और मुझे भी होता है ऐसा कि भाई मैं अगर कर्ल हेयर करूँगी तो मेरे बाल डैमेज हो जाएंगे मशीन से अगर करूँगी कर्ल हेयर। तो आज मैं बताती हूँ कि हमें जैसे मैंने पोनी ये चुटिया बना रखी है गुंदी चुटिया, तो आप इसे मैंने दो पार्ट में बनाई है ये गुंदी चुटिया, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने दो पार्ट में देखो दो पार्ट में मैंने ये चुटिया बनाई है, तो आप इसे थ्री भी बना सकते हैं मतलब थ्री फोर मतलब जितनी मर्जी आप ये गुंदी चुटिया बना सकते हैं आपके लिए इजी, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे ही कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसे जैसे आपने गुंदी चुटिया बना ली तो आप इसे पूरा एक रात आप इसे सो सकते हैं आराम से, इसमें कोई दर्द वर्द भी नहीं होगा। तो मैं आपको बताती हूँ, देखो ये मैंने पूरी रात भर रखे थे बाल अपने, मैंने इसे पूरी रात भर रखा हुआ था और इसे आप इजीली आराम से आप सो भी सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये गुंदी चुटिया ऑब्वियस बात है सबको आती ही होंगी, घर में बनवा भी सकते हैं आप, जैसे तीन बना लो चार बना लो जैसा आपको अच्छा लगे वैसे बना लो। तो आज मैं दिखाऊँगी विदाउट स्ट्रेटनिंग के हम विदाउट कर्ल मशीन के हम अपने घर में कैसे कर्ल हेयर कर सकते हैं। और इसमें हमारे बाल डैमेज होने का भी कोई चांस नहीं है, ना ही हम इसमें कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जिससे आपके बाल ख़राब हुए। ये आप देख सकते हैं बाल कितने प्यारे लग रहे हैं विदाउट कर्ल मशीन के। और अभी मैं आपको अपनी दूसरी चुटिया खोल के दिखा रही हूँ, देखो विदाउट कर्ल मशीन के हम कैसे घर में कर सकते हैं। बहुत ईजी सा, आप कहीं पे भी विदाउट कर्ल मशीन के हम कहीं पे भी जा रहे हैं कहीं पे भी ईजिली कर सकते हैं। देखो मैं आपको आप देख सकते हैं मेरे हेयर जो मैं गुंडी चुटिया करी थी, गाइस अब आप सब देख सकते हैं मेरे कर्ल हेयर विदाउट किसी भी कर्ल मशीन के विदाउट सलून एंड विदाउट जेल। गाइस देखो अब आप देख सकते हो मेरे कर्ल हेयर विदाउट सलून के विदाउट प्रोडक्ट्स के ये देखो ये मेरे कर्ल हेयर आपको दिख रहे हैं, ये मैंने मशीन से नहीं करी, ये मैंने खुद आपके सामने दिखाया आपको हम ये खुद कर सकते हैं कहीं पे भी आप जा रहे हैं आपके कभी अदरवाइज आप कर्ल मशीन नहीं ले जाते स्ट्रेटिंग मशीन नहीं ले जा पाते और कहीं पे आपको जाना पड़े एमरजेंसी में या भूल जाओ या आपको नहीं ले जाना है तो आप ये इजीली ऐसे भी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप सब मेरे बाल, अब आप बताओ कैसा लुक्स लग रहा है, ये देखो ये सबको दिख रहा होगा ये मैंने घर में किए हैं। अब आपके सामने मैंने ये प्रूफ दिखाया है हम कभी भी कहीं नहीं ले जा पाते अदरवाइज हम भूल जाते हैं या हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम इजीली दो चुटिया कर सकते हैं या आप तीन कर लो चार कर लो जो आप जितना आपका मन करे कंफर्टेबल आपको लगे उतना ही आप कर लो।
और इसे रात भर ऐसे छोड़ दो, और इसलिए आप आराम से सो भी सकते हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप आराम से, आपको देखो विदाउट सैलून में आपको नहीं जाना है, आपके पास टाइम नहीं है, या आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, और ये आपको सैलून काफ़ी दूर है। अब तो गर्मी आ गई है, वैसे सबको आलस भी आएगा, तो आप ये देख लो, इजी भी आप घर में कर सकते हैं। ये देखो, ये आपके सामने प्रूफ है, ये देखो, विदाउट मशीन के और विदाउट सैलून में, देखो विदाउट प्रोडक्ट के हमने ये मैंने किया है, अब आप सबके सामने है। कहीं पे भी जाना पड़े तो आपको कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये मशीन नहीं है, या आपके पास सैलून में जाने का टाइम नहीं है, या आपके पास कुछ भी, बहुत सारे वो होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है या हम नहीं जा पाते, तो आप घर में बैठे इजली मेथड है, आप इजली आप ये सब कर सकते हैं, और आपको दिख ही रहा होगा। ये देखो, ये मैंने आपके सामने प्रूफ अपनी गुंडी चुटिया करी थी, और गुंडी चुटिया थी मेरी, मैंने आपको अपनी वीडियो में भी दिखाया होगा, वीडियो में भी मेरी गुंडी चुटिया थी, और ये देखो आपके सामने ही मैंने खोला है। अगर आपको मन कर रहा है, अब तो गर्मी भी आ गई, आप गुंडी चुटिया में काफ़ी हेयर स्टाइल बना सकते हैं, दो चुटिया बना लो, और काफ़ी बहुत प्यारा सा लुक वाइज अच्छा होगा इसमें आपके, दो एक तो गुंडी चुटिया वाला आपका लुक हो जाएगा, आपको कहीं पर भी जाना, और ऊपर से आपको जब गुंडी चुटिया आपको खोलनी हो वो दूसरा लुक हो जाएगा, आप सबको दिख ही होगा। तो हमारे दो जैसे गुंडी चुटिया हमने बना ली, वाला आपका फर्स्ट स्टाइल स्टाइल हो जाएगा, एंड सेकंड स्टाइल जब आप गुंडी चुटिया से बोर हो गए हो, आपको कहीं जाना हो, आपको डिफरेंट स्टाइल करना है, तो आपका ये सेकंड स्टाइल हो जाएगा, आपका कर्ल हेयर का। आपको मशीन सैलून प्रोडक्ट की, हेयर प्रोडक्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप इसलिए कर सकते हैं। अब आपके सामने है तो ये आप सब देख सकते हैं, ये गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा है। अब गर्मी है तो गर्मी में आप गुंडी चुटिया भी करेंगे, वो भी आपका ट्रेंडी एंड फैशन में चलेगा, समर में चलेगा। एंड दिस सेकेंड, आप कर्ल हेयर करेंगे, गुंडी चुटिया हो जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है आपके कर्ल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अगर आप उसे 2 दिन भी, अगर आप 3 डेज 2 डेज में भी आप रख लेंगे गुंडी चुटिया, तो आपके बहुत ही ब्यूटीफुल कर्ल हो जाएंगे। बट मैंने ये अपने, देखो गाइस, आप मेरे इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, @unicorn-shilpa24, ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम में भी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं काफ़ी फैशन से रिलेटेड पिक्चर्स अपलोड करती रहती हूँ। तो गाइस, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको कुछ अलग बताऊंगी, फैशन से रिलेटेड एंड समर से रिलेटेड। एंड प्लीज़ गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं आपको ऐसे ही समर से रिलेटेड एंड फैशन से रिलेटेड आपको वीडियो आपके लिए मैं बनाती रहूँ। और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, see ya।